नमस्कार सभी दर्शकों का आज एन 24 न्यूज में स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल। बड़ी खबर हरियाणा से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से हरियाणा के कर्मचारी और स्टूडेंट तो सड़कों पर थे, लेकिन अब क्या हुआ कि नव निर्वाचित सरपंच भी सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। ई टेंडरिंग को लेकर प्रदेश भर में विरोध शुरू हो चुका है सरपंचों का। इसको लेकर आम जनता का यही मानना है कि क्या सीएम खट्टर खटारा सरकार चला रहे हैं या खटारा तरीके से सीएम खट्टर अपनी सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको लेकर सरपंच, कर्मचारी और विद्यार्थी और बेरोजगार ही नहीं बल्कि आम जनता, आम पब्लिक यानी किसान भी परेशान हैं। किसान भी सरकार के खिलाफ नीतियों को लेकर सड़कों पर, आप देख सकते हैं, बारात निकाली गई थी कुछ दिन पहले। यानी हर एक वर्ग सरकार से परेशान है। हरियाणा सरकार द्वारा ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल का ऐलान करने के बाद लगातार सरपंच इसका विरोध कर रहे हैं। सरपंचों ने सरकार पर ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि वहीं ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे सरपंचों को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर साहब पहले ही कह चुके हैं कि टेंडरिंग के माध्यम से सरकार ने पंचायतों की शक्तियां कम नहीं की बल्कि बढ़ाई है। सरपंचों को अब सुशासन के हिसाब से चलना होगा। ई टेंडरिंग में आपको बताना चाहूँगा कि 2 लाख से अधिक काम करवाने के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदारों से काम करवाया जाएगा। इसके अलावा सरपंचों को गांव के विकास कार्यों के बारे में सरकार को ब्यौरा देना होगा। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी मिलेगी। राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल के अधिकार को आपको बताना चाहूँगा कि सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं करवाएगा तो उसे बीच कार्यकाल में हटाया जा सकता है। सरपंच को हटाने के लिए गाँव के ही 33% मतदाता को लिखित शिकायत अधिकारी को देनी होगी, जिसके बाद सरपंच को हटाया जा सकता है। यह अधिकार खंड विकास और पंचायत अधिकारी तथा CEO के पास जा सकता है। टेंडरिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं सरपंच? सरपंचों का कहना है कि सरकार की ये स्कीम सरपंचों के खिलाफ है, कि अगर गांव में विकास करने के लिए पैसा उन्हें सीधे तौर पर नहीं दिया जाए तो ठेकेदारों और अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, इससे गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि सरपंच लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरपंचों ने सरकार पर ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार अधिकारियों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हर एक वर्ग, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो सरपंच वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, हर एक वर्ग CM खट्टर की सरकार से नाराज है। इसको लेकर एक बड़ा नारा दिया जा रहा है कि CM खट्टर खटारा सरकार चला रहे हैं। इसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।